हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज, आज आगरा में है हमारा लास्ट दिन, क्योंकि हम अपने इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा सारा सामान हमने पैक कर लिया है और अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। तो फतेहपुर सीकरी आगरा से दानिश कितना, 40-45 किलोमीटर आगे। तो अब हम जाएंगे फतेहपुर सीकरी और वहाँ घूमकर उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगरा की फतेहपुर सीकरी। तो जल्दी जल्दी से अब सामान वगैरह गाड़ी में नीचे भेज देते हैं, और बच्चों का दूध वगैरह हमने बॉयल कर लिया है, सिपर में डाल रहा है, कैटल वगैरह सब वॉश करके रख लिए। तो बस अब जल्दी से निकलने की ही देरी है, तो जल्दी से निकलते हैं हम, इंशाल्लाह मिलते हैं आगे भी। तो गाइस, सामान हमारा रेडी है बिल्कुल। दानिश क्या कर रहे हो, हुआ नहीं अभी तलक? दूध भी हो गया ना उसके अंदर? चलो ठीक है भैया, चले कहाँ? फतेहपुर सीकरी चल रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। चलो जल्दी से, क्या नाम है, सामान उठाते हैं और चलो जल्दी से नीचे गाड़ी में। जैन चलो चलो। तो गाइस, नीचे आ गए हैं हम और सामान वगैरह सब सेट हो गया है। क्या हुआ सर? मैंने पूरी कार चलानी सीखी। रिवर्स कैसे होएगा, गियर कौन सा कैसे होएगा, रिवर्स दबाएंगे और हमारे पीछे का कार पीछे हो जाएगा। सही है, तो जैद सीख रहे हैं ड्राइविंग, है ना। और गाड़ी में हो रहा है सामान सेट। फतेहपुरी हम पहुंच चुके हैं, और फतेहपुर पहुँच कर ये हमारी पार्किंग है, ये हमने गाड़ी लगाई है यहाँ पे, और यहाँ से जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से बस, और हम अपना ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की गाड़ी नहीं जाएगी। तो हम अभी यहाँ से ऑटो करेंगे, ऑटो से जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। दावर उतरो नीचे, जानवर देखने को मिल गया। तो गाइज, ये है फतेहपुरी की मार्केट, और यहाँ पे इस तरीके की नान खटाई वाले बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो अभी हम भी लेंगे ये बिस्किट, लेकिन अभी हम पहले कुछ नाश्ता वगैरह करने के तलाश में है कि हमें कुछ अच्छा सा खाना मिल जाए। ये है बुलंद दरवाज़ा, और बिल्कुल इसी के सामने ही है ये होटल जहाँ हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ते का इंतज़ाम यहाँ है, और सेटअप बड़ा ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो गाइज़, यहाँ पे गेस्ट रूम वगैरह, और गाइज़ यहाँ पे मेन्यू दिया जा रहा है बिल्कुल देसी स्टाइल में, और बड़े ही सोच विचार के बाद फाइनल हुआ है कि दो प्लेट बिरयानी और कीमा पराठे। चलो चलो सही, सालन। और ये रेजेन, और दावर को क्या चाहिए, दब्बू क्या खाओगे, सालन। चलो चलो सही है। हमारे यहाँ
तो गाइज ये है बिल्कुल देसी डाइनिंग टेबल, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा ही कम्फर्ट हो गए हम बच्चों के साथ, यहाँ पे मजा आ रहा है ज्यादा। और यहाँ पे भैया मजा आ रहा है, बहुत मजा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे, पता नहीं किसकी खुशबू आ रही है, ये यूपी में आती है वो वहाँ सुन ले, वही मजा आ रहा है। इसको बिठाओ जैन को, जैन क्या कर रहा है, जैन आगे बिजी हो गए, ये बिजी हो जाएंगे तो जरा हम सुकून से खाना खा लेंगे। कैमरे में देखा तो गाइस खाना आ गया हमारा, और ये है किस चीज की, बिरयानी मटन, ये मटन की बिरयानी, और ये चिकन, और ये पराठा, और ये कीमा। चलो टेस्ट करके बताओ मुझे कैसी है यूपी की बिरयानी। वह कर कैसे, अच्छी लो ननिश, पहले तुम टेस्ट करो, करो 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 नहीं। कैसा है जल्दी बताओ, अच्छा यूपी वाला अल्हम्दुलिल्लाह सबका पेट भर गया। और यहाँ एक और आ गई है मेहमान, बचा कुचा ये खाएंगी अब। किसी आवाज आ रही है इसके दांत में, हड्डियां चटक रही है कितनी प्यारी लग रही है, नहीं भी हाथ नहीं लगाओ जैन, जैन देखो इधर आओ जल्दी, मियाऊ मियाऊ देखो देखो। खाना वगैरह खा लिया हमने और हम आ गए हैं बुलंद दरवाजा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और दानिश ने बात कर ली है गाइड से, क्योंकि सही नॉलेज गाइड ही देंगे हमें। यहाँ की हाइट 166 से 174, ऊपर लोग खड़े ना, वहाँ से हाइट 134 से 134, इसका स्टेप 52 स्टेप है, 52 सीढ़ियाँ हैं, इसके जो तीन साइड जो राइटिंग कुरान लिखा हुआ है सेम नकल ताजमहल, ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह, ये अकबर ने बनाया, ताजमहल अकबर के पोते शाहजहाँ ने बनवाया, ये पूरा अंदर से खाली है, पोला पिलर होते हैं ना उस पर ये टिका हुआ है, इसी को मेन गेट बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि इतना बड़ा गेट नहीं था, वो जो वाइट वाइट लगा हुआ है ना पहले इतना बड़ा था, ये लड़ाई जीता ना खान देख गुजरात अहमदनगर चांद बीबी सुल्ताना को ना फतेह किया था 1601 में स्टार्ट और 1602 में कम्प्लीट, 1 साल लगा गेट को बनने में, इस बुलंद दरवाजा लोकल आम जनता के लिए पब्लिक के चलिए ना। ये हमाम थे नहाने धोने की जगह, आने वाले जो लोग दरगाह आते ना पहले लोग फ्रेश होते थे उसके बाद लोग अंदर जाते थे, वो जंगल के अंदर जो दीवार दिख रहा है ना टूटा फूटा लाल पत्थर का, वो इसी किले का बाउंड्री है, ये 10 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है, न्यू गेट अकबर ने बनाया, आपका जो गाड़ी है ना निकल के लाल गेट पड़ा वो आगरा ही गेट है, बाकी के लोकल आम जनता के लिए आठ गेट, ये जितना भी जो शेर दिख रहा है ना आबादी फतेहपुर का है, सीकरी इसके पीछे है, दोनों को मिला के बोलते हैं फतेहपुर इन सीकरी। आइए अंदर दूध दो, तो यहाँ पे शूज उतार दिए सबने, और पर पर्सन 10 रुपीज, बच्चों के तो नहीं रखने ना, चलो ठीक है भाई ठीक है। और अब हम कर रहे हैं अंदर एंटर, और ये छोटा सा ताजमहल ले लो, इनसे कुछ लेना है, ये घोड़ों के नाल हैं, जिसका घोड़ा बीमार होता ना वो लोग दरगाह जाते मुलाकात करते हैं, घोड़ा अच्छा हो जाता यहाँ ठोकते हैं, ऊपर जो नाल दिए ना बड़े वाले वो इतना बड़े घोड़े का पैर नहीं था, नाम बड़ा था ब्रिटिश लॉ पर्सन 1905 पे लगा था,
इतना बड़ा घोड़ा नहीं था, नाम बड़ा था, साइज करवा के लगा। आपने मूवी देखा ना परदेश, शाहरुख खान वाला शूट, वो यही गाना होता है परदेश। अच्छा, ये गाना हुआ ना दो दिन में, ले मगर छुपके छुपके यहाँ का शूट है। देखने के लिए दो जगह हैं, फतेहपुर एंड सीकरी। ये सारा फतेहपुर है, फतेहपुर में कोई किला नहीं था, ये सिर्फ पहाड़ी इलाका था। सामने जो वाइट दरगाह दिख रही है ना, हजरत शेख सलीम चिश्ती अकबर के पीर है, ख्वाजा गरीब है ना, उनके ये पोते हैं। ये बाबा यहाँ एक झोपड़ी डाल के रहते थे। अकबर की तीन रानियाँ थी, पहली रानी थी मुस्लिम रुकैया, दूसरी क्रिश्चन थी मरियम, तीसरी हिंदू जोधा बाई। तीनों रानियों से अकबर को औलाद नहीं था। अकबर अजमेर से नंगे पैर यहाँ 7 बार आए। जब अकबर ने यहाँ दुआ की तो महारानी जोधाबाई से एक बेटा मिला। उस बेटे का नाम चिश्ती बाबा ने नाम दिया मोहम्मद सलीम, प्यार से उसको सेकू बोलते हैं। जो गद्दी पे बैठा जहांगीर यहाँ का बादशाह, ये अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनवाया। 1570 में स्टार्ट, 1582 इस किले को 12 साल लगा बनने में पूरा कम्प्लीट। ये ऊपर जो छतरी दिख रहा है ना बुर्जिया, उस जमाने कोई लाइट नहीं था, इनमें मशाल जलते थे कैंडल। ये नीचे जो रूम है ना कमरे, ये सारे स्कूल थे मदरसे, या बच्चों को ना तालीम देते पढ़ने के लिए। वो सामने जो गेट दिख रहा है ना छोटा वाला, वो अकबर का गेट है, बादशाही दरवाजा, वहाँ से अकबर आते थे। ये मस्जिद है नमाज पढ़ने की जगह, आज भी नमाज होती है 5 वक्त। इस दरगाह को पहले अकबर ने लाल बनाई दरगाह को, वाइट मार्बल जहांगीर ने किया था, क्योंकि वो इनकी दुआ से पैदा हुआ था। वो जितनी भी जो आपको वहाँ कब्र दिख रहा है ना पेड़ के नीचे, वो सब बाबा के परिवार लोगों का, खानदान लोग। आइए, तो गाइज ये मस्जिद है यहाँ की, तो इसलिए हम बाहर ही रुक गए। और इतनी खूबसूरत बनी हुई है ये, बड़ा है, छोटा छोटा छोटा, सब एक ही साइज के हैं, देखने में लग रहे हैं छोटे बड़े, डिजाइन सब एक ही है। ये रूम बने ना कमरे पीछे, ये सारा लेडीज लोगों का रूम है, पर्दा सिस्टम, लेडीज लोग अंदर नमाज पढ़ती है, जेंट्स बाहर। इनको क्लोज कर दिया, लेडीज इधर जेंट्स उधर, रात भी नमाज होती है 5 बजे। इधर आइए, जैद बहुत खूबसूरत है ना। राइट, यहाँ से ऊपर टॉप 80 फीट ऊंचाई है, 80 फीट। ये जाल लगा हुआ है ना ऊपर से, जो पत्थर आते हैं ना जाल में टिकते, किसी के लगता नहीं है। ये बीच में जो लैंप दिख रहा है ना झुम्मट, ये सोने का लैंप था। अंग्रेज लोग आए ना सोने को लेके, तांबे का डांगे। इसके जो राइटिंग कुरान लिखा हुआ है ना, सारा सोने के पानी से लिखा हुआ है। ये इमाम साहब बैठते हैं यहाँ, तालीम देते हैं। ये मस्जिद का मेन जगह है। मीनार दिख रहा है ना, टावर, हाथी का टावर है, एलिफेंट, जो महारानी जोधाबाई को हाथी गिफ्ट में दिया था मांग सिंह ने। जो फैसला अकबर नहीं करता, हाथी करता, इंसान को सूंघ के पहचानता है। जो गुनाहगार होता है ना उसको कुचलता है, जो गुनाहगार नहीं होता हाथी छोड़ता है। हाथी का नीचे बॉडी, उस पर वो मीनार है, वो दांत निकल रहे ना स्टोन जैसे, जैसे हाथी के डिजाइन होते हैं। ये ऊपर जितने भी जो होल दिख रहे हैं ना, उस जमाने के पोस्टमैन थे, यहाँ से चिट्ठी लेकर जाते पंछी लोग, पहले मोबाइल सिस्टम नहीं था। ये पूरा जंगल दिख रहा है ना, पूरा झील था, पानी का लेक, लेक पूरा सूख गया ना, लोग यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो रोड दिख रहा है ना, वो राजस्थान है भरतपुर, ये यूपी में आप खड़े हुए हैं। ये नीचे जो टूटा फूटा बिल्डिंग दिख रहा है, ये तक्षाल थे, यहाँ पैसा बनता था, सिक्का गोल्ड।
ये ऊपर मशाल है ना चौकीदार ऊपर बैठता अकबर का खास बैठने की जगह, पूरा नजारा देखता था। इसके पीछे एक जंग का मैदान है खान हुआ, यहाँ मुगलों में आए ना बाबर अकबर का दादा फाइट लड़ाता राणा शंगा बाबर 1527। ये जगह को फतेह बाबर ने किया, इसका नाम रखा फतेहपुर जीतने के लिए। इधर आओ दानिश, वो पता है ना हाथी था अकबर का। यहाँ चल रही है जैद दावर की शॉपिंग और वो ले रहे हैं ताजमहल के कीचेन। दिखाना भैया, दिखाना भैया इधर कीचेन। तो गाइस इसमें छोटा सा पानी के अंदर ताजमहल बना हुआ है और जैद दावर को देने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट। हाँ शोर नहीं, वो नहीं ये सारी कवर है बाबा के फैमिली लोगों की, अंदर असली है। ये तो डिजाइन है उसने पेड़ने लग गया। ये छोटा वाला गेट जोधा के लिए बना है ना, सिर झुका के अंदर लोग जाते थे। वो जोधा एक राजपूत थी ना, दरगाह नहीं मानती ना, सिर झुकाती थी, इसलिए छोटा बना है। कोई भी लोग आएगा सिर झुका के अंदर जाएगा। ये जाली का डिजाइन अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट 156 तरह का। अंदर जाओगे? अंदर जाना क्या है अंदर? दरगाह जो लोग खाली बाबा की जो छत है ना, पानी पिलरों में से आता है नीचे गिरता है। वो टैंक है जो मटके रखे हुए हैं, उस पानी को तबरुक समझ के पीते हैं। होली वाटर जो ब्लैक दरवाजे दिख रहे ना काला वाला लकड़ी का, वो लकड़ी आपलू से हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हैवी नहीं, हैवी नहीं बूट, वजन में हैवी होता है, पानी में डूब जाती है। ये ना अकबर ने इसको श्रीलंका से मंगा। अगर गाइस हम फतेहपुर मस्जिद पूरी घूम चुके हैं और हमें यहाँ पर मिला है एक बच्चा जो कि हमें शायरी सुनाएगा, तो मैंने सोचा कि हम व्लॉग में ले लेते हैं उस चीज़ को। तो सुनाओगे ना? स्टार्ट करो। पत्ती तुम शीशे कम ने मैडम थे के टीना के सभी कम ने ये चेटी छड़ी पहाड़ पे लाके बसते अल्लानी दी कौन पढ़ने के बसते पढ़ते पढ़ते पसीना गया पीछे देखा तो मक्का मदीना गया। ये शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूँ और आओ मेरे मेहमानों तो मैं मक्का मदीना में छोड़ दूँ। ये शेर करो चमन की करो बाजार में करका है, कत्ल करो निगाहों से करो तलवार में करका है। हर झूमती बोतल कभी शराब नहीं होती, खिलती भी कलियाँ कभी गुलाब नहीं होती। बनवाने चाहते हैं बड़े भाई भी इतना बड़ा ताजमहल बनवा देते, हर लड़की मुमताज नहीं होती। ये ऊपर से गिरी तीर वो तो नीचे गच गई, पीछे देखा तो मैडम भी चमक गई। जी आते आते खाते पन सरजी तो लगते शाहरुख खान। ऊपर से गिरी तीर वो तो नीचे गचक गई, पीछे देखा तो मैडम भी चमक गई। ये चम्मच पे चम्मच चम्मच पे जीरा सरजीते हैं लाखों मीरा। ये छोले बना चटपटे नींबू निचोड़ गया, सरजी की याद में मैडम जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। वाओ अच्छा है, अच्छा सुनाया, चलो बहुत अच्छा। चलो दानिश कुछ दे दो, चलो कुछ खा लेना ठीक है। तो गाइज हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए, जैसे ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हो रही है धूप बहुत ज़्यादा और यहाँ के जो मस्जिद के बरामदे हैं यहाँ का पत्थर इतना ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम सब बैठ के काफ़ी मज़े कर रहे हैं। जैद दावर, दावर देखो इधर जैन अच्छा लग रहा है ना दानिश? अच्छा लग रहा है। अब नहीं मिलेगी धूप। और तुम बड़ा मजा आता है। मजा आ रहा है? पहले भी यही सोचता था कितना मजा आता था वो सोना। तो गाइस फतेहपुर सीकरी से हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और हम दिल्ली मथुरा होते हुए जाएंगे क्योंकि दानिश का बहुत ज्यादा मन है कि वो मथुरा के पेड़े लेते हुए जाएंगे। और इस वक्त भी दानिश खड़े हुए शॉप पर क्योंकि उन्होंने जहाँ पे जहाँ फतेहपुर सीकरी थी वहां पर बालूशाही भी लिए इन लोगों ने 3 किलो
और अब लेने के लिए रुक गए नानिश। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है ये नान खटाई वाले बिस्किट, तो काफी टेस्टी होते हैं, तो हम ये सब भी लेके जाएंगे सबको खिलाने के लिए। तो ये लोग निकलवा रहे हैं नान खटाई वाले बिस्किट, और इतनी तरीके के होते हैं ये। इन लोगों ने डिस्प्ले रियल ही कर रखा है, कोई फोटो नहीं है। और जैन कर रहा है मुझे परेशान। परेशान कर रही हो हालो अपनी मिच्चर? नहीं नहीं, मूड खराब है। और यहाँ पे इस तरीके के स्टॉल्स बहुत सारे लगे हुए, आगे भी मैंने आपको दिखाए थे। और बढ़िया नहीं, कोई फ्लेवर है बढ़िया नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे टाइप नहीं, पांच सेट लगा कर। दो तरीके की एक एक किलो।